आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश, सुनील एंड अनिल स्टार्टेड ए बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 11 लाख, 16.5 लाख एंड 8.25 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट अर्न बाय देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स वाज रुपीज 19.5 लाख। What will be the share of 50% Anil's share in profit? देखिए यहाँ पर समय का कोई जिक्र नहीं है कि वो समय अलग अलग हो इस तरह का, यानी समय प्रभावित नहीं करता। समय का जिक्र ये है कि 3 वर्षों तक बिजनेस चलता है, वो 2 वर्ष चलता, 1 वर्ष चलता, 5 वर्ष चलता, यानी समय 3 वर्ष दिया हुआ होकर के भी एक तरह से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो पार्टनरशिप चैप्टर का ये बेसलाइन है कि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश, सुनील और अनिल, इन तीनों ने जो बिजनेस शुरू किया 3-3 साल के लिए रहा, तो जो कैपिटल का रेशियो है उसी के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस ख्याल से यह क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने में चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए जो कैपिटल का रेशियो है 11 लाख, 16.5 लाख एंड 8.25 लाख, इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व ऐसे करें, 4 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ओर मल्टीप्लाई करते हैं, सबों को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है? ये 33 हो जाता है, ये 2 × 33 हो जाता है, और ये 11 × 4 ही रखते हैं। आप पूछेंगे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 4 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि किसी नंबर में अगर यूनिट प्लस पर 5 होता है तो वो नंबर डबल करने से 5 के जगह पर 0 आ जाता है। इसलिए हम 5 यूनिट प्लस वाले नंबर को डबल करना पसंद करते हैं, यानी 5 फैक्टर हो तो, और 25 फैक्टर हो तो हम 4 टाइम्स करना पसंद करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ कि 8.25 को 4 टाइम्स किया, तो ऐसे 8 अलग कीजिए, 0.25 अलग कीजिए, तो 8 का 4 टाइम्स क्या हुआ 32, और 0.25 का 4 टाइम्स क्या हुआ 1, तो 33 हुआ ना। इस तरह से इसको 33 लिखना है, लेकिन 16.5 को 4 से जब करना है तो हमें सिर्फ 2 की जरूरत है, इसलिए हम 16.5 को डबल करते हैं, 4 जो है उसको 2 अलग रखते हैं, 2 × 16.5 करते हैं, सो दैट कि 2 × 33 हो जाए, और इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं। इसकी वजह यह है कि जब रेशियो होता है तो उसे कैंसिल होना होता है, और इसी कारण यही वजह है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 4:3, 6:2, 6:3, 4:6:3, यानी टोटल कितना हुआ 13, टोटल कितना हुआ 13, ये हुआ टोटल 13। अगर 3 वर्षों के बाद कुल प्रॉफिट 13 होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता, 13 न होकर क्या है, 13 न होकर 19.5 लाख है। फिर देखिए ये फिर 5 आया ना, हम लोग दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए, ये कितना हो गया 39, और आपको आसानी से दिखाई दे रहा है ये क्या है, 2 means 3.3, यानी 1 means 1.5, ये क्या हुआ × 1.5, ये सभी 1.5 टाइम्स हुए, × 1.5, अगर हमसे प्रकाश का पूछा जाता तो हम लोग बोलते 6 लाख, पूछा नहीं गया है इसलिए ये निकालना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ 9 लाख, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही निकाल रहे हैं, और ये क्या होगा 4.5 लाख, लेकिन हमें बताना है कि अनिल के का शेयर नहीं बताना है, उसका 50% शेयर बताना है प्रॉफिट में। इसका मतलब ये हुआ, इसका हाफ हुआ, 50% कितना हुआ 2.25 लाख, ये अनिल का शेयर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 50% ऑफ 4.5
means half, that means this. अगर आप सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। ओके, धन्यवाद।